तो जैसा मैं बैठ गया किसी मुनि को देख रहे वेरी क्लिस्टर क्लियर, वो उधर से बात करना शुरू कर रहे कि अम्मा आप बहुत जन्म से ध्यान कर रहे, ये आपका आखिरी जन्म है। और उस समय मैं चेक भी कर रहे कि मैं मेरा मुंह बंद है, मेरा आंख बंद है, मैं कैसा बात उनसे कर रहे और उनका बात उनको कैसे देख पा रही है, वो भी मुझको एक क्वेश्चन मार्क। वो बताते बताते वो योगी उधर से और एक बात बता दिया कि आप भ्रुकुटियों के ऊपर दृष्टि रखें तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपको ये ध्यान बहुत पहले से मालूम है। तुरंत मैंने बोला भ्रुकुटी मतलब क्या है। ये सब कॉन्वर्सेशन मेरे विजन में चल रहे, ध्यान में विजन में चल रहे। सो उन्होंने बोला थे आप किधर बिंदी रखता है वो भ्रुकुटी, दैट इज़ थर्ड आई। उधर आप उधर से आपको सब कुछ मालूम होता, ऑलरेडी आपको मालूम है ये सब। ओहो, वो बोल दिया, मैं सुना बट आई डोंट नो, उस समय मुझको कुछ भी नहीं मालूम। नेक्स्ट और एक बात बता दिया कि आप 6 दिन थोड़ा कष्ट लेना है, कैसा लेगा, फिजिकली लेगा और मेंटली लेगा, आप ही बता दो, चूज़ योर सेल्फ। वो ऐसा चॉइस दिया। मैंने उनसे बता दिया कि ऑलरेडी मेंटल में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक प्रॉब्लम्स खूब सारा है, सो शारीरिक स्वस्थ हूँ, सो शारीरिक रूप में मैं लूँगी कुछ भी। हो गया, उसके बाद मैं सो गई। अभी सुबह उठ गया, मुझको कुछ भी याद नहीं, बट 105 फीवर, खूब सारा कासी सर्दी, सब कुछ क्या क्या शरीर में नहीं था सब कुछ आ गया। और ये कुछ भी नहीं मालूम, मम्मी बता रहे ऐसा ध्यान शुरू किया, ये क्या प्रॉब्लम्स आ गए, व्हाट हैपन टू यू, चलो डॉक्टर के पास। तो मैं बोला मम्मी आज मेरा स्कूल में एग्ज़ाम है, मेरा पेपर ही चल रहा है, बच्चों को मैं जाना ज़रूरी है, मेरा स्कूल भी जस्ट एक स्ट्रीट साइड है, वॉकिंग में जा सकता है, बट मेरा अंदर इतना भी शक्ति नहीं। एक रिक्शा को बुलाकर रिक्शा में बैठकर गया, चला गया, जाकर स्टाफ रूम में सो गया, सोकर पेपर करेक्शन कर रहे क्या क्या चैप्टर में आ गए। उसी समय मेरा फिज़िक्स स्कूल का फिज़िक्स प्रोफेसर आया है, वो बोला है मैडम कितना भी फिज़िकल लेवल में प्रॉब्लम सहन कर सकता है, मेंटल में सहन नहीं कर पाएगा, ऐसा बता दिया। तब मुझको याद आ गया कि यही शब्द मैं किसी से बोल दिया, यही शब्द बिल्कुल। तब पूरा रात का विजन आ गया, शायद इसकी वजह से क्या मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है। ओके लेट मी सी, मैं थोड़ा ज़िद हूँ, पहले से कुछ तो पकड़े तो आई वॉन्ट टू सी दैट एंड। ये मेरा जलन ऐसा रहता है। ओके मैडम 6 डेज मतलब 6 डेज एक्सैक्ट, क्या क्या नहीं हुआ शरीर में, कितना दर्द है, कितना मतलब डेथ और लाइफ के बीच में एक रगड़ रहता है, वैसा हो गया मेरा। तो भी ध्यान छोड़ा नहीं, सुबह शाम बिल्कुल किया, कुछ भी हो ध्यान तो किया, क्योंकि मैं ऐसा प्रॉमिस किया उनसे, राजशेखर सर से। 6 डेज ख़त्म, 7th डे आई एम बिल्कुल फाइन। कितना परफेक्ट हो गया कि आई एम लाइक फेदर। एंड डू यू नो, उस दिन से आज तक आई हैड नो हेल्थ प्रॉब्लम्स।